सो वेल गाइज, मैं हूँ मोदी जे और मैं आपके लिए लाया हूँ स्नाइपर इलाइट वर्जन 2 गेम प्ले स्टोरी इन हिंदी। स्नाइपर इलाइट 2 एक टैक्टिकल शूटर स्टेल्थ गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया है रेबेलियन डेवलपमेंट्स ने। ये गेम सीक्वल है 2005 के प्रीडेसेसर स्नाइपर इलाइट का। ये गेम वर्ल्ड वार 2 के दिनों की है जहां हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कार्ल फेयरबर्न एक अमेरिकी ओएसएस ऑफिसर और स्किल्ड स्नाइपर है जिसे 1945 में बर्लिन ले जाया जाता है। कहानी की शुरुआत बर्लिन से होती है जहां हमारे प्रोटैगनिस्ट को नाजी साइंटिस्ट गुंथर क्रेडल को खत्म करने के लिए मिशन दिया जाता है। यहां पर फेयरबर्न गुंथर क्रेडल के कॉन्वॉय पर घात लगाकर हमला करता है और उसे मार देता है। अब फेयरवर्न मेटल वर्क फैसिलिटी में एंटर होता है और गुंथर क्रेडल के पर्सनल डॉक्यूमेंट को लेके वहां से भाग जाता है। डॉक्यूमेंट्स में फेयरबर्न को अन्य वैज्ञानिकों की लोकेशन और V2 रॉकेट प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तीनों साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद फेयरबर्न को ओपन प्लाट्स में भेजा जाता है जहां उसे डॉक्टर श्वाइगर को खत्म करना होता है। यहां पर फेयरबर्न को पता चलता है कि नाजी ऑफिसर श्वाइगर को मारना चाहते हैं। यहां पर फेयरबर्न डॉक्टर श्वाइगर को नाजी ऑफिसरों से मरने से बचाता है। अब गोलाबारी में डॉक्टर श्वाइगर सीरियसली इंजर्ड हो चुका है। No time. The rats are coming. You hold them off. I'll be fine. But I need information. Hold them off. If you don't, we're both dead. The assault was over. We were safe. For now. यहां मरने से पहले डॉक्टर श्वाइगर दो शब्द कहता है, वॉल्फ हैज अ प्लान और अज्ञात शब्द टैबून। वॉल्फ हैज अ प्लान, V2 रॉकेट, टैबून। टैबून, वेयर इज दैट? नॉट अ नॉट अ प्लेस। व्हाट इज इट देन? व्हाट्स टैबून? आंसर मी। इट्स Intel had been wrong about Schweiger. I wondered what else we'd got wrong. Or, more importantly, what else we just didn't know. Like Tobin. What the hell was that? And what was Wolf's plan? अब फेयरवर्न कमांड टावर पहुंच चुका है। V2
वहां वो कर्नल मूरर की हत्या कर देता है और बाकी बचे हुए वैज्ञानिकों को ट्रैक और समाप्त करना जारी रखता है। अंतिम वैज्ञानिक डॉक्टर वॉल्फ के ना मिलने पर फेयरवर्न सोवियत मुख्यालय में घुसपैठ करता है और खोज करता है। वहां उसे डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि टाबिन वास्तव में नर्व गैस है जिसे V2 रॉकेट द्वारा ले जाया जाना है। बदला लेने के लिए डॉक्टर वॉल्फ ने उन्हें लंदन में लॉन्च करने का प्लान बनाया है, केवल इस जानकारी के साथ कि स्थान बर्लिन से बाहर है। फेयरबर्न अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए शहर के अंदर वॉल्फ के ऑफिस में जाता है। Their target, London. Those cunning red bastards would make it look like Germany's final revenge. Killing Wolf would have to wait. Nothing else mattered now. I had to stop that launch. यहाँ जब तक फेयरबर्न आता है तब तक ऑफिस पहले ही नष्ट हो चुका है। फिर भी फेयरबर्न एक फटा हुआ नोटबुक खोज लेता है और उसे पता चलता है कि वॉल्फ एयरफील्ड से भागने वाला है। It's an old trick, but a good one. Bingo. This had to be Wolf's escape plan. But before I could keep my date with that maniac, I needed to stop the V2 launch. There was nothing here to help me with that. My only chance now was the ministry building across the square. फेयरवर्न V2 स्टोरेज फैसिलिटी की डिटेल्स देने वाला एक मैप भी प्राप्त करता है। The map showed all the possible launch sites around Berlin. Only one was still operational and in Russian occupied territory. That had to be the place. यहाँ फेयरबर्न कोपेनिक लॉन्च साइट पहुंच चुका है और वो रॉकेट को नष्ट कर देता है। रॉकेट को नष्ट करने के बाद फेयरबर्न ब्रैंडनबर्ग गेट पर वापस चला जाता है जहां उसने कुछ दिन पहले वॉन आइजनबर्ग की हत्या की थी। फेयरबर्न स्ट्रक्चर के टॉप पर चढ़ता है
और जैसे ही वॉल्फ कार में भागने वाला है शूट करता है और वॉल्फ को मार देता है, जिससे कार कंट्रोल खो देती है और पलट जाती है। अब फेयरबर्न रिमार्क करता है कि वर्ल्ड वार टू खत्म हो गया है, लेकिन कोल्ड वार शुरू हो गया है, जिसमें उसने पहले सैनिक के रूप में काम किया है। यहाँ पर ये स्टोरी हमारी ख़त्म होती है। अगर आपको इसी तरीके की स्टोरी और चाहिए या आप देखना पसंद करते हो तो हमें सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और हमें आगे और बताएं, हम इस तरीके की वीडियो आगे लाते रहेंगे।